वेलकम बैक पीप्स टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड ओ'क्लॉक। फर्स्ट डे फर्स्ट एपिसोड ऑफ ले लद्दाख ट्रिप विद पृथ्वी। पृथ्वी से हाय टू कैमरा। क्या टाइम है का भाई? भाई अब फर्स्ट डे आज हम जम्मू में हैं एंड गुड मॉर्निंग देन आज हम गोकुलधाम। आज हम जाएंगे श्रीनगर। अभी बज रहे सुबह के 5 और डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर और हमको 3 बजे तक श्रीनगर पहुंचना है। सब सामान रेडी है सो लेट्स गो। लाइट चालू करते हैं दिखने में। आज जम्मू से हम सुबह सुबह निकल गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 तो नहीं 7 बज रहे हैं सुबह के और थोड़ी देर में हम जम्मू क्रॉस कर लेंगे। गाड़ी फुल करा ली है। लेट्स सी अब हम कब पहुंचते हैं, कब श्रीनगर पहुंचेंगे। द डिस्टेंस इज़ 290 किलोमीटर्स सो लेट्स गो। सेकेंड स्टॉप हम 126 किलोमीटर आ गए हैं जम्मू से। श्रीनगर बचा है अराउंड 120 किलोमीटर। यहाँ पे हमने खाए पी चाय। एक और हिम्मू पे अपडेट दे देता हूँ। वी हैव क्रॉस्ड बनिहाल एंड वी आर ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे अगेन। आई हैव क्लॉक्ड 162 किलोमीटर्स और बज रहे हैं 1 दोपहर के। आई थिंक हम 3 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाएंगे बट अगर हमने लंच ब्रेक लिया तो थोड़ा सा लेट हो सकता है बट एनीवेज। और ये टनल बहुत ही अच्छी है, इट्स वेरी लॉन्ग। हम ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं इस टनल में और अब ये शायद आगे जाके एंड होने वाली है। बट इस टनल में नहीं, अभी तो लंबी है बट इस टनल में यू कांट ओवरटेक एनीवन टू मेंटेन द स्पीड।
बज गए हैं 2:30 और हम आ गए हैं श्रीनगर। हमको कुछ 7.5 घंटे लगे श्रीनगर आने में। बीच बीच में रोड के थोड़े से पैचेस ख़राब है और आफ्टर बनिहाल द रोड इज़ वेरी गुड कैचअप योर स्पीड। अब नाउ विल फाइंड अ होटल और हाय बीप्स। सो अभी टाइम हो गया है 4:55। हम श्रीनगर में आ गए हैं, रूम ले लिया है, हम फ्रेश हो गए हैं। अब थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे कुछ खाने, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल लास्ट। और कल हम निकलेंगे यहाँ से टूवर्ड्स कारगिल, जिसके बीच में है द्रास और सोनमक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक सेकेंड हाईएस्ट पास आई गेस जोजिला पास भी है रास्ते में, तो इट वुड बी वेरी फन। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू ईट आउट। हमने कुछ रेस्टोरेंट सिलेक्ट करे हैं तो वी आर गोइंग आउट। वेलकम बैक पीप्स। तो मैं और पृथ्वी आ गए हैं डल लेक घाट्स में। यहाँ पे होती है शिकारा राइड, वो है शिकारा बोट और ये है नॉर्मल बोट। तो एज ऑफ नाउ हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है अंदर पार्किंग में एंड हम दोनों जा रहे हैं ढूंढने। हमने प्राइस पता करा है तो सिंपल जो राइड है जो जाएगी, कितना बोला था उसने, 2 लोग का 1500, 4 पॉइंट दिखाने के 2 लोग के 1500 और 4 लोग जाएंगे तो भी उतना ही है। बाकी हम एक बार और प्राइस कंफर्म करने जा रहे हैं ना, आगे प्राइस कंफर्म करने जाएंगे आगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे। बट एनीवेज, और ये सामने हाउस बोट है एंड यू वांट टू स्टे द प्राइस वुड बी अराउंड 4,000 to 5,000 पर नाइट। यहाँ पर बहुत सारी होटल हैं, सब ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो लेट्स गो एंड फाइंड आउट आगे क्या रेट मिलता है, मेला भी लगा है। कितने पॉइंट करा रहे हैं भैया? 8 पॉइंट का राउंड, उसमें आपको गुलफाम लेक पहले आएगा, उसके बाद नेहरू पार्क आएगा, उसके बाद ओपन डल लेक आएगा, उसके बाद मिशन कश्मीर पॉइंट आएगा, उसके बाद फ्लोटन मार्केट आएगा, वेजिटेबल लैंड आएगा, फ्लोटन लैंड आएगा और मीना बाजार। एक साइड से जाके पूरा सर्कल में आपका राउंड रहेगा। इसमें चलाने का हमारा सिस्टम रहेगा, 1 से 1.25 घंटा चलाने में रहेगा, बाकी आपको स्टॉप जो आता है 3 पॉइंट आता है, वहाँ आपका टाइम फ्री रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। हम अभी कितने टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:50। 7:50 हो रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाय पीप्स। यो पीप्स। हाय पीप्स। बेबी खसको ना सीधा। अबे तो बहुत ही पास है यार, पानी आ जाएगा, डाल दू उसको उल्टा करके दे। हाँ भाई, नीचे से निकाल, मेरे को बताओ बनाते होते। अबे रुक जा, देखने तो क्या बन रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं फ्लोटिंग मार्केट। क्या है भैया इसका नाम? किसका? ये मार्केट का फ्लोटिंग मार्केट। और यहाँ पे सारी दुकान है, भैया बता रहे हैं ये सब लोग यहीं पे रहते हैं। 3 पॉइंट कवर करके हम आ चुके हैं, वो इतने खास नहीं थे, मतलब ठीक थे। डल लेक क्रॉस करके आए हैं हम, नेहरू पॉइंट, गुलफाम पॉइंट और अब ये हम आ गए हैं बोट पॉइंट में। दिस इज वेरी नाइस, यहाँ पे सारी दुकान है। अबे भाई गली जैसा लग रहा है, देख इधर, बोल तो रहे ये वेनिस, ऐसा लग रहा है वेनिस है। हाँ
सस्ते वेनिस में घर हो भाई उधर हदे वे वाओ पृथ्वी एंजॉयिंग हमारे पास जगह ही नहीं है लेके जाने के लिए घर। तो जब ये पूरा फ्रीज हो जाता है फिर क्या करते हैं लोग? जाना वाना रहता होगा तो फिर कैसे? अच्छा वेरी नाइस व्लॉग कर रहा है तू? हाँ कर रहा हूँ। ज्यादा हंस क्या रहा है तेरा? ये गुस्सा है, इसका फोटो नहीं खींचा इसीलिए। ये मेरी ढिंचक पूजा है। हाय पीर। तो भाई ये हंसता है यार, चलो कोई बात नहीं। इसको पीर पसंद नहीं है, इतना बोरिंग आदमी है ये। हाँ तो हम लोग चैनल चल रहा है भाई और क्या। तो हम लोग आ गए हैं, ये शिकारा राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 1 घंटे हमने करी है। और दिस इज अ मस्ट इफ यू आर कमिंग टू। व्हाट डू यू से इज दिस? नो, दिस वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ना। सो यू शुड डू दिस और नॉट इफ यू आर इन कश्मीर? ऑफ कोर्स आई थिंक यू शुड डेफिनेटली, यू मस्ट डू दिस। दिस इज अ मस्ट, यू नो। यस, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। यस ओके। सो हम लोगों ने खा लिया है, चाय पी कावा पिया, यहीं बोट पे मिल जाती है। बारबेक्यू है, हुक्का है, वट एवर यू वॉन्ट विल कम ऑन योर बोट एंड यू कैन एंजॉय शॉपिंग एंड एवरीथिंग। ओके सो एंड हमने वी हैड पेड 800 rupees फॉर 8 points। एंड अगर आप 4 लोग हो तो आप 4 लोग भी जा सकते हैं, बट हम 2 लोग थे तो 2 लोगों में 400 पर पर्सन है। बट जितने लोग 4 लोग से ज़्यादा एक नाव में नहीं आते है ना, भरचक बार्गेन करना तो सब हो जाएगा। हाँ बार्गेन कर सकते हैं यहाँ पे आप। लोटस है बहुत सारी है। हाँ अपन एकदम आ ही गए। और ये यहाँ पे हाउस बोट्स है, यू कैन ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर स्टे। ऑनलाइन भी बुक हो जाती हैं और आप यहाँ पे आके इनको नॉर्मली बुक भी कर सकते हैं। आई वुड हैव गॉन इनसाइड बट अभी सब ऑक्यूपाइड है इसलिए हम नहीं जा। गुलफाम है यहाँ पे शूटिंग होती, गुलफाम इसका नाम है। गुलफाम नहीं नहीं, ये गुलफाम नहीं है। उसे ऊपर 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 टॉवर से शूटिंग हुई थी। किसकी हुई थी? वैष्णो देवी मंदिर में वो वैष्णो। अबे यार कोई सी पिक्चर की शूटिंग हुई थी वहाँ से। ये देखिए ये यहाँ से टू वहाँ शूटिंग होती है बेस कैंप पे आर्मी का। हाँ तो यहाँ से ये 2 BHK से लेके 5 BHK तक रहते हैं आई गेस। ये कम से कम 4 तो होगा ये है ना, ये वाला 4 BHK हाउस बोट है ये। एंड दीज आर मूवेबल्स, तो ये इधर उधर रहते हैं। और यहाँ पे ऐसी शॉप रहती है, यहाँ पे सब लोग इधर उधर नाव से ही जाते हैं। अच्छा मेरे को देख मैं साइड सीन करके फिर हाँ। तो फिर आप ऐसे नमाज तो पढ़े नहीं पाते होंगे पांचों टाइम? नहीं पांचों टाइम नहीं पढ़ते, सवेरे तो हमको टाइम नहीं, शाम को टाइम मिलते हैं। अच्छा और अभी ऐसे भी है कि दिन में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जब खैर मिल जाएगा तो पढ़ सकते हैं। हाँ सही मिलेगी तो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम भी है काम। बट आखिरत भी याद करना है, उस चीज़ के लिए भी कुछ रखना है।
तो जैसे मतलब अब सारे नहीं है, कोई कोई बंदे हैं उनको मतलब निकाल टाइम निकालते तो जिस सही है टाइम निकालते तो प्रे करते हैं। थोड़ा काम चल रहे हैं जो यात्री चल रही है हाँ जी, उसकी वजह से दो तीन ट्रिप दिन में आ जाते हैं, पूरे दिन की फुल दिन की अच्छा आ जाते हैं। और गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ता है इसमें से? नहीं, गवर्नमेंट को हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है। हाँ हाँ, हमारा लाइसेंस जो है टूरिज्म की तरफ से जो बोर्ड चलाता रहता है वो फिर हमें रिन्यू करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा पे करना पड़ता है जब उसकी रिन्यू करना है, तो बाकी तो उसको कोई पे नहीं करते इसको अभी मतलब जो है, क्योंकि ये सीजनली काम है। सही बात है, सही बात है। तीन चार महीने का काम रहता है ज्यादा, उसके बाद तो यहाँ काम नहीं रहता, बहुत कम रहता है। सही बात है। इसकी वजह से जो मतलब टैक्स गवर्नमेंट नहीं है हाँ, उसकी वजह से मतलब इसमें नहीं लगा है, क्योंकि अच्छा तो चार महीने का काम कंटिन्यू काम नहीं है। आप तो घर जाते ही थक जाते होंगे ये सब इतना करने के बाद? तो रोज का काम है, इसकी थोड़ा आदत, थकते तो है हाँ हाँ, थोड़ा सा आदत भी है इस चीज का चलाने का। सही बात, बाकी तो मेहनत तो है, ये तो हाथ से ही चलाना है। नहीं सही बात है। और ये जो है ये डल लेक में घुमाते हैं शिकारा के, यहाँ से अपने अपने स्टैंड से हाँ, क्लाइंट को बिठा के तो डल लेक का जो साइड सीन है। हाय पीप्स, सो वी आर बैक इन आवर रूम एंड अब हम सोएंगे। आज का हमारा दिन श्रीनगर का हो गया है कंप्लीट। टुमारो विल बी लीविंग फॉर कारगिल, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट, मैं आंसर कर दूँगा। डीएम बिच बाय।